तो हेलो और सब गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर से ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, वही बहुत इजीली। अगर आपको ऑडियो ट्रैक को चेंज करना है या डिलीट भी करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं टेकमैन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ वो कंप्यूटर से ही होगा। अगर आपको यह प्रोसेस अपने मोबाइल के अंदर करना है तो अभी वो मेरे को नहीं पता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको डेस्कटॉप के लिए ही ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पीसी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा, उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये फाइल आ जाएगी। इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट मैं इसे कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हैं इसे मैंने किया। ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसके अंदर पासवर्ड फिल कर देना है। इस फाइल का पासवर्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पासवर्ड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे एक और फोल्डर आएगा, इसे आपको ओपन करना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके सामने ये फाइल्स आ जाएंगी। एक में लिखा हुआ है केजिन और दूसरे में है हाउ टू इंस्टॉल और तीसरा आपका सॉफ्टवेयर है। तो आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ। इसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कर लिया है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, किस फोल्डर के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको इसे अनटिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको वापस से ये फोल्डर को ओपन कर लेना है। वापस से मैंने ये फोल्डर को ओपन कर लिया है। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ये जिप फाइल मिल जाएगी, इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दे देना है, तो पासवर्ड है 123। तो 123 लिखने के बाद यहाँ पे आपको मैं पासवर्ड दिखा भी देता हूँ। आपको ये 123 लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन अनेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लिखना है। सिक्योरिटी लिखने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा विंडोज सिक्योरिटी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको आ जाना है वायरस एंड थ्रेट्स प्रोटेक्शन पर। यहाँ आने के बाद आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। इसके बाद आपको ये फोल्डर जो सा आपने एक्सट्रैक्ट किया था इसे आपको डिलीट कर देना है और इसके बाद वापस से आपको ये फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस फाइल को मैं वापस से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इसे मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं वापस से ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो आपको ये विंडो को ओपन वापस से कर लेना है। विंडो जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एरर आ चुका है या ये कोई भी एक वायरस है, इसे आपको अनेबल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। इसे आपको अलाउ ऑन डिवाइस पर क्लिक करके स्टार्ट एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अलाउ करने के बाद वापस से आपको ये फोल्डर को ओपन करना है जो एक्सट्रैक्ट हुआ है। इसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ चुकी है। इसे आपको राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो सा प्रोडक्ट है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अपना प्रोडक्ट इसमें से है HD वीडियो कन्वर्टर फैक्ट्री प्रो 18.x, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइसेंस की आ चुकी है, इसे आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर को कट कर देना है। इसे कट करने के बाद आपने जो सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो अपनों ने यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था सबसे पहले, इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक की का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो है रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कैसे किसी भी वीडियो के अंदर से ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं
या ऑडियो ट्रैक को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्टर का, तो यहाँ पे आपको इसे ओपन कर लेना है। कन्वर्टर वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइल्स को सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वीडियो है, तो इसके अंदर दो ऑडियो ट्रैक है, तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर दो ऑडियो ट्रैक है, हिंदी और इंग्लिश। तो अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आप अपने वीडियो से ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके वीडियो के अंदर जितने भी ऑडियो ट्रैक होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो अभी दो ऑडियो ट्रैक हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंग्लिश को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट हो चुका है। ऑडियो ट्रैक को चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आउटपुट फोल्डर का, तो इसे आपको चेंज कर लेना है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी जो सी वीडियो एक्सपोर्ट होगी वो किस फोल्डर में जाके सेव होगी, तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ड्राइव डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 480p 180p 4K तक यहाँ पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ पे 4K पे कर दिया है, और जो सी मेरी फाइल की जो सी साइज है वो यहाँ पे 9.5GB हो चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने कम किया था, यहाँ पे 4.3GB हो चुका है। इसे मैं और कम करता हूँ तो यहाँ पे 750MB हो चुका है। तो अभी इसे मैंने डिफ़ॉल्ट पर कर दिया है, जितनी मेरी ओरिजिनल क्वालिटी थी वीडियो की उतनी ही यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। तो इसे मैं रन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। रन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सी वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बाकी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा वीडियो को एक्सपोर्ट होने के बाद। तो इसे आपको यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके जो सा ये सॉफ्टवेयर होगा वो आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक वीडियो आ चुकी है जो सी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट हुई है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें से ऑडियो ट्रैक रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वापस से आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और आपको न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है जो सी आपने इस सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट की थी। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इस वीडियो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे ऑडियो ट्रैक आप देख सकते हैं ओनली हिंदी है। तो इंग्लिश वाला ऑडियो ट्रैक था वो रिमूव हो चुका है। तो आप इसी तरह से सॉफ्टवेयर की मदद से अपने ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। चेंज करना है तो आपको सिंपली चेंज हो चुका है, जो सी पहले वाली आपकी वीडियो होगी उसके अंदर इंग्लिश ऑडियो होगी, अब जो सी ये दूसरी वीडियो है उसके अंदर आपकी हिंदी ऑडियो है। बाकी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, आपको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।